गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए चलिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। पिछली क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के बारे में स्टडी करी थी। उम्मीद करता हूँ जितने भी टॉपिक मैंने समझाए थे और आगे भी समझाऊंगा आपको समझ में आएंगे, और जो भी हमने रिफ्रेक्शन से रिलेटेड या अपवर्तन से संबंधित जो भी बातें पढ़ी, जो भी कॉन्सेप्ट समझे, उनको आपने पढ़ा होगा, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई किए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस टॉपिक के बारे में आज बातचीत करते हैं। आज हम इसके डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो एनसीईआरटी बुक में या जो आपका सिलेबस है आरबीएससी का, उसमें आपको गिवन होंगे। तो उन्हीं सारे एग्जांपल्स के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक जो है या बेसिक या फंडामेंटल जो इसका कॉन्सेप्ट हमें वो समझना है, और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इसमें से पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। तो आप डेफिनेशंस को जो परिभाषा में बताऊंगा उनको अच्छी तरह से समझिए और लिखने की कोशिश करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने डायग्राम में अलग अलग पोर्शन दिखाया हुआ है, तो इन्हीं सारे पोर्शन को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक मीडियम कंसिडर कर रहा हूं, डेंसर या सघन माध्यम, या इसको मैं वाटर मान सकता हूं कि यहां पर एक मीडियम है जो वाटर की फॉर्म में है, और ऊपर जो है वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम के रूप में हम एयर को कंसीडर कर लेते हैं, वायु को सोच लेते हैं। तो देखिए हम ये बोल रहे हैं कि एक लाइट रे जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अपवर्तन के नियमों के अनुसार वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, लाइट रे जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अकॉर्डिंग टू रिफ्रेक्शन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब देखो मैंने यहां पर जब डायग्राम दिखाया तो ये जो लाइट रे है उसका रिफ्रेक्शन हो गया, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बना और यहां एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन R1 बना, आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1। लेकिन आपतन कोण तो छोटा दिखाई दे रहा है और अपवर्तन कोण बड़ा दिखाई दे रहा है, R1 is greater than I1। ठीक है, अपवर्तन तो हो गया मतलब रिफ्रेक्शन हो गया, लेकिन मैंने यहां पर एक लाइट रे और दिखा रखी है, ये वाली। तो मैंने जब ऑप्टिक्स ये ऑप्टिक्स की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट रे है जब वो किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस लाइट रे से रिलेटेड तीन तरह के फिनोमेनाज होते हैं, वो मैंने आपको बताया भी था, RAT, रेड। ठीक है, रेड मतलब रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन को अपन रिफ्रेक्शन की फॉर्म में बोल सकते हैं, और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, इस इंटरफेस बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रही है, जो दो मीडियम को सेपरेट करने का काम कर रही है, वो लाइट रे दो तरह के फिनोमेनाज यहां पे शो कर रही है, दो तरह की घटनाएं वो यहां दर्शा रही है। इसका इस लाइट रे का आंशिक रूप से तो परावर्तन हुआ इस साइड में, और आंशिक रूप से अपवर्तन हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई और पार्शियली रिफ्रेक्ट हो गई। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये 100% लाइट हमने 100% इंटेंसिटी की लाइट हमने इंसिडेंट कराई थी, और उस 100% में से 100% में से जो लाइट है उसका मान लो कि 45% जो है वो रिफ्रेक्शन या रिफ्लेक्शन जो है उसमें आ गया, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो रिफ्रेक्शन में चला गया, मतलब 55% जो है वो अपवर्तन में आ चुका है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, कुछ रिफ्रेक्शन में चली गई और कुछ रिफ्लेक्शन में आ गई, परावर्तन में आ गई, कुछ अपवर्तन में आ गई। तो यहां तक की बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसी को मैंने वापस से रिपीट किया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आ गया। अगेन मैंने अब नेक्स्ट डायग्राम बनाया,
नेक्स्ट डायग्राम मैंने बनाते समय ये बात यहां लिखी हुई है कि ये जो लाइट है, लाइट रे जो है उसको अपन ने रोटेट कराया, और किस तरफ रोटेट कराया, इस तरफ क्लॉकवाइज। जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं, मतलब इस तरफ रोटेट कराऊं, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई वन है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, आई टू हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है यहां पे कि आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, आई टू की वैल्यू आई वन से बड़ी है। तो ये जो लाइट रे है अब वापस क्या हो रही है, इस इंटरफेस बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रही है, और जैसे इंटरफेस बाउंड्री पर इंसिडेंट हुई वापस इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियली रिफ्रेक्शन हो गया, कुछ भाग आंशिक परावर्तन के रूप में नीचे आ गया और कुछ भाग आंशिक अपवर्तन के रूप में ऊपर चला गया। एंगल बन गया R2, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अपवर्तन कोण, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया I2। अगेन थर्ड डायग्राम देखें, थर्ड डायग्राम में मैंने क्या किया, इसको वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, इस तरफ रोटेट कराया। जैसे ही इसको और रोटेट करा रहे हैं तो ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, I2 से बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और I2 से बड़ा हो गया तो कितना हो गया, I3 हो गया, कितना हो गया, I3। लेकिन जब I3 लिखा है तो I3 के साथ मैंने इक्वल में थीटा सी लिखा हुआ है, और थीटा सी को दिया हुआ है नाम क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे जब रिफ्रेक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो वह अपवर्तित होती हुई प्रकाश किरण जो इंटरफेस बाउंड्री है, पृथककारी सतह है, उसके समांतर हो जाती है। अर्थात कितने एंगल पर रिफ्रेक्ट होगी, 90 डिग्री पर। मतलब अपन क्या देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन R1 था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन R2 हो गया, R2 R1 से बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर मैंने इसको घुमा दिया, I को और बड़ा करता गया, तो R तो बड़ा होगा ना हमेशा, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज्यादा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब ये वाला एंगल तो इससे बड़ा होना चाहिए, चाहे इसको आप बड़ा करो चाहे इसको आप छोटा करो, ये हमेशा इससे तो बड़ा होगा ही होगा। तो अगर आप इसको बड़ा करते जा रहे हो तो ये भी तो बढ़ेगा, ठीक है। और ये लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपन ने इस केस में क्या देखा कि ये जो एंगल है ये इंक्रीज होता गया, और होते होते कितना हो गया लास्ट में 90 डिग्री। कब हो गया, जब मैंने इस लाइट रे को इतने एंगल पर इंसिडेंट कराया कि जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गई। मतलब कोई भी लाइट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ रहा है, तब रिफ्रेक्टेड लाइट रे जो होती है, अपवर्तित प्रकाश किरण जो होती है, वो पृथककारी सतह के समांतर हो जाती है, अर्थात इंटरफेस बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करने लग जाती है। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जो होता है, अपवर्तन कोण जो होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है। तो अपने पास एक डेफिनेशन आ गई, क्या क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाते हुए अपवर्तित होती है और अपवर्तन पृथककारी सतह के समांतर हो जाता है, और अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल इज दैट स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रेक्टेड लाइट रे becomes parallel to the interface boundary having angle of refraction is equal to 90 degree. That special angle of incidence is called critical angle. ये अपन definition ले सकते हैं क्रांतिक कोण की। तो उम्मीद है जो बात मैंने समझाई है, जो परिभाषा मैंने समझाई, definition बताई है, वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मतलब angle of refraction 90 degree तभी बनेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल के इक्वल हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो लगातार अपन क्या देख रहे हैं, या कंटिन्यूअसली क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 डिग्री। अगेन अपन ने क्या किया,
क्या किया भाई, यहां पर भी पार्शियली रिफ्रेक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है ना, यहां पर मैंने दिखाया नहीं है, पार्शियली रिफ्रेक्शन तो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आंशिक अपवर्तन हो ही रहा है, जैसे यहां हो रहा था यहां हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखाया मैंने कि ये लाइट रे और मैंने क्या कर दी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दी, ठीक है, इसको अपन ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, और इतना घुमा दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई फोर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई फोर, आपतन कोण कितना हो गया, आई फोर हो गया, और ये जो आई फोर है उसकी वैल्यू किससे बड़ी हो गई, आई थ्री से, इसको उधर रोटेट करा दिया ना अपन ने, तो आई फोर की वैल्यू किससे बड़ी हुई, आई थ्री से, और आई थ्री किसके इक्वल है, थीटा सी से, इट मींस आई फोर जो है उसकी वैल्यू किससे बड़ी हो गई, थीटा सी से, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई। तो जब ऐसा केस आया तो ये जो एंगल आर थ्री जिसको अपन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बोल रहे थे, जो कितना हो चुका है, 90 हो चुका है इस केस में, अब तो वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो 90 से अबव चला जाएगा, और 90 से अबव चला जाएगा तो ये लाइट रे तो रिफ्लेक्ट हो ही रही थी, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो ही रही थी, परावर्तित हो ही रही थी, लेकिन ये जो लाइट रे है जो अभी तक यहां पर कैसी हो रही है, रिफ्रेक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, ये रोटेट हो गई कहां भी, नीचे आ गई, ठीक है, ये लाइट रे यहां तो जा ही रही थी, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया, ऐसा करने से ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे इस एंगल को 90 से बड़ा कर लेगी, और जैसे 90 से बड़ा करेगी कहां रोटेट हो जाएगी, इधर आ जाएगी, सेम मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो ही रहा था, बात को सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो ही रहा था, आंशिक रूप से परावर्तन तो हो ही रहा था, लेकिन ये लाइट रे नीचे और मुड़ गई, नीचे मुड़ गई, इसका मतलब अब इसका जो आंशिक अपवर्तन हो रहा था वह अपवर्तन गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, और वो अपवर्तित प्रकाश किरण किसमें रूपांतरित हो गई, परावर्तित प्रकाश किरण में रूपांतरित हो गई, मतलब इंग्लिश में बोले तो ये जो लाइट रे पार्शियली रिफ्रेक्ट हो रही थी वो रोटेट होकर के कहां आ गई, पार्शियली रिफ्लेक्शन वाले केस में अप्रोच करने लगी, और जैसे ही वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग वाले पोर्शन में अप्रोच करने लगी, इट मींस जो लाइट रे है उसका कंप्लीट क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो गया, उसका परावर्तन हो गया, ठीक है, मतलब हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, 100% है, 100% है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, ठीक है, उसकी भी इंटेंसिटी अब कितनी हो गई, 100%, क्यों हो गई, क्योंकि जो रिफ्रेक्शन वाला जो पोर्शन था, अपवर्तन वाला जो हिस्सा था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रिफ्लेक्शन वाले हिस्से में कन्वर्ट हो गया, परावर्तन वाले हिस्से में रूपांतरित हो गया, इसका मतलब अब जो पार्शियली रिफ्रेक्शन हो रहा था, आंशिक अपवर्तन हो रहा था, वो डिसअपीयर हो चुका है, और डिसअपीयर हो गया तो कैसा परावर्तन हो रहा है, पूर्ण रूप से परावर्तन हो रहा है, टोटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस घटना को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, मतलब परिभाषा क्या बोल सकते हैं, क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तब प्रकाश किरण उसी माध्यम में अर्थात सघन माध्यम में पूर्णतया परावर्तित हो जाती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ये परिभाषा होगी, इंग्लिश में बोले तो अपन ये बोल सकते हैं, व्हेन लाइट रे goes from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then this light ray reflected in the same medium completely, this phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे,
तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपने पास समझाने का तरीका आ गया कि किस तरह से अपन पूर्णांतरिक परावर्तन को समझा सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डायग्राम भी शो कर सकते हैं, और डायग्राम शो करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो अच्छी तरह से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे आते हैं, आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, तो अपन को दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब, तो उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो क्या शर्तें हैं वो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। पहली शर्त कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। विरल माध्यम में जानी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। इंग्लिश में बोले तो लाइट रे शुड बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। किस मीडियम से जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से, और किस तरफ जानी चाहिए, रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में लिख सकता हूं कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेंगी, तभी हमें ये फिनोमिना ऑब्जर्व होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें प्रेक्षित होगा। ठीक है, अब अगर हम ये जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बड़ा होगा, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा तो ये जो लाइट रे ये कहां मुड़ती जाएगी, कहां बेंड होती जाएगी, नीचे की तरफ, और होते होते सेम मीडियम में आ जाएगी, तो कैसा फिनोमिना ऑब्जर्व हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लाइट रे कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होगा, जो एंगल आर बनेगा वो आई से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा तो ये जो फिनोमिना यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है वो यहां पर नहीं हो पाएगा। भाई ये फिनोमिना तभी ऑब्जर्व होगा जब कहां से कहां प्रकाश किरण जाए, सघन माध्यम से विरल में जाए। लाइट रे शुड बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तभी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या हो पाएगा, आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो पाएगा। और दूसरा केस क्या है, वो प्रैक्टिकली हमने देख ही लिया कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किससे बड़ा हो जाना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाना चाहिए, एंगल ऑफ क्रिटिकल से उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी हमें ये फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान होने चाहिए। आइए अब हम आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे मान लो कि मैं लाइट रेज इंसिडेंट करा रहा हूं, ठीक है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, तो हर एक लाइट रे जो है वो कितना एंगल बना रही है, 1 डिग्री, 1-1 डिग्री बनाते हुए रोटेट हो रही है।
मतलब ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री, फिर ये 4 डिग्री, तो हर एक लाइट रे के बीच में कितना एंगल बना, 1 डिग्री बना। ठीक है, अब ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अपन को मालूम है कि ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। अब मैंने कहा कि जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल जो है, क्रांतिक कोण जो है, वो कितना है, 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। और मैंने कहा कि मैं यहां पर कितनी लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूं, 60, तो 60 लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं, और हर एक लाइट रे कितने कितने डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, 1 डिग्री पर। ठीक है, और एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना है, 40 डिग्री है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, टोटली रिफ्लेक्ट होंगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी, पूर्णतया परावर्तित होंगी, तो अपन क्या आंसर दे सकते हैं, तो जिस लाइट रे का एंगल 40 डिग्री होगा, मान लो कि ये वाली है, कौन से नंबर वाली हो जाएगी, 40, जिस लाइट रे का नंबर 40 होगा, 40 होगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और 40 डिग्री वाली लाइट रे जो है वो कहां पर जाएगी या कहां पर रिफ्रैक्ट होगी, तो आंसर है जो इंटरफेस बाउंड्री है उसके अलांग हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाएगी, मतलब इस लाइट रे का टोटली इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी, जिसका एंगल 41 डिग्री होगा, जिसका 42 होगा, जिसका 43 होगा, वो सारी लाइट रेज कहां पर मुड़ती जाएंगी, कहां पर बेंड होती जाएंगी, कहां पर बेंड होती जाएंगी, सेम मीडियम है, डेंसर मीडियम में जा रही, डेंसर मीडियम में आती जाएंगी, रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। मतलब वो सारी लाइट रेज कैसे फिनोमिना को दिखाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाएंगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दिखाएंगी। तो 40 डिग्री के बाद वाली जितनी भी लाइट रेज हैं, 41, 42, मतलब 20 लाइट रेज जो हैं, 20 लाइट रेज जो हैं, उनका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्णतया परावर्तन होगा। अब जैसे मान लो कि ये वाली है, तो ये वाली जो लाइट रे उसका एंगल कितना बना हुआ है, 41 डिग्री, तो इस लाइट रे का एंगल कितना होगा, 41 डिग्री, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें तो वही लॉ लागू होंगे जो लॉ हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 41 डिग्री है तो ये भी 41 होना चाहिए, ये 42 है तो ये 42 होना चाहिए, सॉरी ये 41, ये 41 है, ये 42 है, ये वाला, तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, फिर 43, फिर 44, ऐसे करके, तो जितने भी एंगल यहां बनेंगे उतने एंगल यहां बनते जाएंगे। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं जो रिलेटेड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो फॉर्मूला आसान है, उसको समझने की कोशिश करें। जब अपन ने बोला कि लाइट रे सघन माध्यम से या डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में, रेयरर मीडियम में जा रही है, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल कर दिया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दिया। तो जो लाइट रे रिफ्रेक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, वो कितना एंगल बनाते हुए रिफ्रेक्ट होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्रेक्ट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार तो क्या लिखेंगे, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। मान लो कि ये जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और उसका म्यू वन है, मतलब ये एयर है, एयर है, तो इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अपन क्या लिख रहे हैं कि लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है,
उसको म्यू वन लिख देता हूँ, उसको म्यू टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो वन म्यू टू लिखोगे अकॉर्डिंग टू लो, और म्यू टू बाय म्यू वन लिख दोगे। अब अपन को डायग्राम से साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, थीटा सी के इक्वल है। तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना बना, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बना 90 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, साइन थीटा सी डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब म्यू टू, तो म्यू टू की वैल्यू क्या है, म्यू टू की वैल्यू 1 है, म्यू टू की वैल्यू क्या है 1 है, और म्यू वन की वैल्यू क्या है म्यू है। तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 क्या गया, 1 अपॉन म्यू आ गया। और साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। इसका मतलब साइन थीटा सी किसके इक्वल आ गया, तो साइन थीटा सी इक्वल आ गया 1 अपॉन म्यू के। इट मींस ये एक रिलेशन आ गया जिसके अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको अपवर्तनांक दिया गया हो माध्यम का, सघन माध्यम का, तो आप किसका क्या निकाल सकते हो, क्रांतिक कोण निकाल सकते हो। अरे ये बात समझ में, ठीक है। साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, या फिर आप इसको इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी, 1 अपॉन साइन थीटा सी, और 1 अपॉन साइन थीटा सी को क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा सी। तो म्यू का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू कॉसेक थीटा सी, ओके। और अगर यहां से थीटा सी कैलकुलेट करना चाहो तो थीटा सी आप कैसे लिख सकते हो, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये अपन लिख सकते हैं क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करने के लिए, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है, तो थीटा सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, क्रांतिक कोण के विद क्रमानुपाती है। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा, और अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, या थीटा सी 1 अपॉन म्यू के, 1 अपॉन म्यू के समानुपाती होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, ये अपन को ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर मैं मान लो कि यहां पर वाटर मीडियम कंसीडर करता हूं, क्या करता हूं वाटर, और यहां पे क्या करता हूं एयर, ठीक है। तो मैं इसी डायग्राम में अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो साइन थीटा सी डिवाइड बाय साइन 90 ऐसे लिखूंगा, साइन थीटा सी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू कहां से लाइट रे जा रही है, डब्ल्यू से, और कहां जा रही है एयर की तरफ, तो क्या लिखूंगा डब्ल्यू म्यू ए लिखूंगा, ठीक है ना। और W म्यू ए को आप क्या लिखोगे, म्यू ए डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू, ऐसे तो लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैंने आपको रिलेशन बनाया था 1 म्यू 2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 2 म्यू 1। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एयर का रिफ्रेक्टिव वाटर के एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या वायु का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ले रहे हो, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, क्या है ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बन पाया, क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक बन पाया, नहीं बन पाया। तो इसको आप बना सकते हो कैसे, ये वाला मेथड लगा दो, ये वाला मेथड यहां पर अप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। अब ये क्या बन गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। इट मींस वी कैन राइट दैट साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, जिसको आप केवल म्यू डब्ल्यू लिख सकते हो। तो मतलब यहां पर कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ रहा है, डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ठीक है।
तो ये अपन को चीज ध्यान रखनी है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए और रिलेशन क्या रहा है थीटा सी और म्यू में, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दोनों के बीच में आ रहा है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिससे अपन इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को समझ सकते हैं, उसके फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, मान लो कि एक जार है, ग्लास का बना हुआ जार है, ठीक है। तो ये जो जार है, इस जार में हमने क्या कर रखा है, वाटर फिल किया हुआ है, पानी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक सोप केक डाल देते हैं। सोप केक का मतलब साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और वो डाल देना है, और डालने के बाद में उसको स्टीरियर से घुमाते रहना है ताकि वो इसमें डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए। तो ऐसा होने से जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, साबुन के घोल का पानी बन जाएगा, ठीक है, सोप सॉल्यूशन का लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये लिक्विड तैयार हो गया, अब क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। लाइट रे कौन सी लेनी है, आप लेजर लाइट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही लेजर लाइट आप इसमें इंसिडेंट कराते हो तो आप क्या देखते हो कि उस लेजर लाइट रे के दो पॉइंट आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो लाइट रे है ये यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची तो ये इंटरफेस बाउंड्री हो गई, क्योंकि इधर लिक्विड है और इधर एयर है। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से एयर में जा रही है। तो जैसे डेंसर से एयर में जाएगी, लाइट रे का पार्शियली रिफ्रेक्शन हुआ और पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, आंशिक अपवर्तन और आंशिक परावर्तन। तो आपको क्या दिखेगा कि जो लेजर लाइट आपने इसमें से पास करी है, सोप सॉल्यूशन में से पास करी है, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के कारण आपको दो पॉइंट ऑब्जर्व होंगे। एक तो टॉप पर दिखाई देगा, मतलब रूफ पर दिखाई देगा, छत पे दिखाई देगा, और एक ग्राउंड फ्लोर पर दिखाई देगा, फ्लोर पर दिखाई देगा। तो दो पॉइंट आपको ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट डिसअपियर हो गया। अब कौन सा पॉइंट डिसअपियर करना, ये वाला। तो ये वाला डिसअपियर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रे है इसको और इंक्लाइंड करते हैं, मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो जाते हैं, इसको हमने और बढ़ाया। तो अपन क्या देख रहे थे, जो डेफिनेशन अपन ने समझी थी कि उसके अकॉर्डिंग ये लाइट रे कहां है, घूमती जाएगी नीचे की तरफ, घूमती जाएगी, और घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो लाइट रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो चुका होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका होगा। तब ये जो पॉइंट आपको रूफ पर दिखाई दे रहा था लेजर वाला, वो पॉइंट डिसअपियर हो जाएगा और केवल यही पॉइंट आपको ऑब्जर्व होगा। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर आपको पॉइंट दिखाई पड़ेगा लेजर का, वही पॉइंट आपको ऑब्जर्व होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन या ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा करके, उससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या परिणाम निकला, क्या निष्कर्ष निकला, कि अगर आप लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कराते हो और उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब उसका आपतन कोण बढ़ाते जाते हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस कंडीशन में जो लाइट रे है केवल और केवल क्या करती है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्णतया उसका परावर्तन होता है, और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन उसके लिए लाइट रे टेंसर से रेयर में जानी चाहिए, यहां पे कंडीशन हो रही है फुलफिल, और आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बनाना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह से भी रिपीट कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले लो, परख नली जिसको अपन बोलते हैं, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, पतली ट्यूब होती है, और इसके अंदर लिक्विड भर दो, और लिक्विड भर के आप क्या करो, लाइट रे, लाइट का सोर्स लो, उससे लाइट पास कराओ। तो ये लाइट जो है ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, तो ये यहां से यहां जाएगी, मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है, और आपने इसको इस एंगल पर इंसिडेंस कराया कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो ये लाइट रे जो है वापस क्या हो गई, टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अगेन ये लाइट रे कहां से कहां जाना चाहेगी,
अब वापस डेंसर से रेयर में जाना चाहेगी, लेकिन वापस उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो ये वापस लाइट रे उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस क्या होगा, चलता रहेगा। तो आपको ये दिखेगा कि जो लाइट रे आपने एंटर कराई वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट रिफ्लेक्शन करते हुए, रिपीटेड रिफ्लेक्शन करते हुए बाहर, बाद में बाहर निकल जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, ताकि अपन को ये फिनोमिना जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम व्हूज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए जिस माध्यम में प्रकाश, उस क्रांति कोण जो है प्रकाश के लिए वो कितना है, 30 डिग्री है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल जो अपन को कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और अभी अपन ने देखा कि जो क्रिटिकल एंगल है उसका रिलेशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ क्या आया था, कि साइन थीटा से क्या होता है, 1/μ, और म्यू जो है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, C/V। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा सी कितना है, 30 डिग्री, 1/C/V, तो V कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो V/C हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो V/C = 1/2, तो V फाइंड करना है, तो V = क्या होगा, C/2, C को उधर भेज दिया, और C कितना होता है, C होता है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ गया आपके पास में। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क सा क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ था और स्पीड पूछ ली, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए छोटा सा पॉइंट और समझते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो हम लिखते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विपिक्योर, तो इस स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जो रेड कलर है उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो भी सबसे ज्यादा होगी, और वायलेट कलर जो है उसके लिए वेलोसिटी सबसे कम होगी। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अगर वेलोसिटी ग्रेटर है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, म्यू और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का होता है। ठीक है, तो यहां पे म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और अभी अपन ने देखा थीटा सी जो है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थीटा सी जो है वो म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस रिलेशन के बेसिस पे, इस संबंध के आधार पर, जहां पर म्यू लेसर होगा वहां पर क्रिटिकल एंगल ग्रेटर हो जाएगा, और जहां पर म्यू ग्रेटर है वहां पर लेसर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। इट मींस रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, और वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेसर होगी, छोटी होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है या एक सिंपल क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।